हेलो फ्रेंड्स, सिंधी खादों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू मटर की ग्रेवी वाली सब्जी, जिसे सिंधी में कहा जाता है पीज़ पटाटा धाग पकी रस में। तो धाग पकी रस बहुत ही बेसिक ग्रेवी होती है सिंधी कुजीन में, जिसे ऑनियन और टमाटो से बनाया जाता है। इस बेसिक ग्रेवी को यूज़ करके आप मखाना की सब्जी, आलू मटर की सब्जी या फिर बेसन की सब्जी, बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं। तो आज हम आलू मटर की सब्जी उसी स्टाइल में बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए कुकर में मैंने 4 चम्मच जितना तेल गरम करने रख दिया था। अब मैं उसमें 2 बड़े प्याज एकदम रफली चॉप किए हुए डाल रही हूँ, और एक छोटा टुकड़ा अदरक का भी मैंने उसमें चॉप करके डाल लिया है। अब हम ऑनियन को इसमें अच्छे से भून लेंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि प्याज चिपक सकता है, जल सकता है। तो इसमें हमें चाहिए थोड़ा सा ब्राउनिश कलर चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं चाहिए हमें इसे। तो बस बीच बीच में चलाते रहेंगे, और जब तक हमें सुनहरा ब्राउन कलर नहीं मिल जाता तब तक। तो बस अब देखिए, अच्छा सा कलर ऑनियन का हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे 2 रफली चॉप किए हुए टमाटर। बड़े टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पे, जिससे कि ग्रेवी हमारी अच्छी बनेगी, फ्लेवरफुल बनेगी। और साथ ही मैंने उसमें डाल दिया है 1/4 ग्लास जितना पानी। और बस अब हम इसे चला लेंगे और प्रेशर कुक कर लेंगे ऑनियन और टमाटो को। 2 सीटियाँ लगवा लेंगे हम, जिससे कि ना ऑनियन और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे अच्छे से। बस 2 सीटियाँ लगवा लेते हैं। अब देखिए, 2 सीटियां लगवाने के बाद कितना बढ़िया तरीके से ये ऑनियन और टमाटर हमारे पक चुके हैं। तो बस उसकी मैंने पेस्ट बना ली, और पेस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया मैंने कुकर में। अब मैं इसमें डेली यूज़ के जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो डाल रही हूँ। हल्दी डाली मैंने 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लेना, और 2 चम्मच मैंने इसमें धनिया जीरा पाउडर डाला है। साथ ही नमक हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और सारे मसालों को अच्छे से इस ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने आलू को बड़े टुकड़ों में कट करके रखा था। मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं, और 1/2 कप जितना मैंने लिए हैं मटर। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आलू और मटर को हम इस ग्रेवी में डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। और फिलहाल हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ना ढक देंगे कुकर को, ताकि ये जो मसाले हमने ग्रेवी में डाले उन सब का सारा फ्लेवर जो है वो आलू और मटर में अच्छे से आ जाए। तो बस इसे हम ढक के पकाएंगे कुछ देर के लिए, जब तक कि ना इसमें 1-2 बॉयल आ जाए बस, तो मसाले अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए, अब इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी, क्योंकि अभी हमें इसे सीटी लगवानी है, आलू अभी गले नहीं हैं। तो 1 ग्लास पानी डालने के बाद हम इसे प्रेशर कुक करेंगे तकरीबन 3 सीटी तक, उसमें अच्छे से गल जाएंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है सब्जी का, कितनी बढ़िया, जितनी दिखने में अच्छी लग रही है टेस्ट करने में भी उतनी ही बढ़िया होती है। इसे ज़ीरा राइस के साथ खा सकते हैं, या फिर आप प्लेन वाइट राइस के साथ भी इसे खा सकते हैं, रोटी के साथ भी ये उतनी ही अच्छी लगती है। तो बस देखिए कितना जल्दी बन गई। इस बेसिक ग्रेवी के साथ और भी बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक आप मेरे चैनल को ज़रूर से अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक